बहुत ही धूमधाम से नेहरू जी के जन्मदिन पर बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें साहेबगंज, मीनापुर, मरवान, मोतीपुर और कांटी, मुजफ्फरपुर सहित तमाम जगहों के छात्र छात्राओं ने इस बाल मेला में भाग लिया। रचनात्मक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान और प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूकता, वैज्ञानिक नॉलेज और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने का काम ये कार्यक्रम करेंगे। क्रम को गांव-गांव में चलाएं। गांव-गांव में चलाने से सुदूर गांव में रहने वाले छात्र छात्राएं को व्यापक ज्ञान होगा और उसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त होंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बाल दिवस के अवसर पर समीधा कोचिंग सेंटर कांटी के प्रांगण में बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीपुर, मरवन, साहेबगंज, मीनापुर एवं मुजफ्फरपुर के दर्जनों छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निर्देशक कारू शाही ने किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में पूरे देश में छात्र छात्राओं ने मनाया है। चाचा नेहरू को बड़े उमंग और उत्साह के साथ याद किया है, क्योंकि देश को रचनात्मक दिशा देने का काम उन्होंने किया था। उसी क्रम में मुजफ्फरपुर कांटी में समीधा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में समीधा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत ही धूमधाम से नेहरू जी के जन्मदिन पर बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें साहेबगंज, मीनापुर, मरवान, मोतीपुर और कांटी, मुजफ्फरपुर सहित तमाम जगहों के छात्र छात्राओं ने इस बाल मेला में भाग लिया। और इस बाल मेला में खास करके पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक आविष्कारों, स्वच्छता अभियान और जल जीवन हरियाली कार्यक्रमों को प्रमुखता से छात्र छात्राओं ने प्रोजेक्ट वर्क के रूप में प्रस्तुत किया और सफल छात्र छात्राओं को संस्थान के निदेशक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के इंजीनियर विमलेश कुमार विमल ने सभी छात्र छात्राओं को पठन पाठन सामग्री देकर के सम्मानित किया और सभी छात्रों को अपील करते हुए निदेशक कारी साहू ने कहा कि ये कार्यक्रम बच्चों में सामाजिक संगठन, रचनात्मक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान और प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा के प्रति जागरूकता, वैज्ञानिक नॉलेज और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने का काम ये कार्यक्रम करेंगे। उन्होंने संस्थान के शिक्षक प्रोफेसर कमलेश कुमार, इंजीनियर अमलेश कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर खुशबू कुमारी, इंजीनियर प्रिया कुमारी, पुष्पांजलि और नवीन सहित तमाम शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई दिया और उन्होंने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम को गांव-गांव में चलाएं। गांव-गांव में चलाने से सुदूर गांव में रहने वाले छात्र छात्राएं को व्यापक ज्ञान होगा और उसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त होंगे, क्योंकि समीधा कोचिंग सेंटर की ओर से गाँव के गरीब लड़कों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। कारी साहू, निदेशक समीधा कोचिंग सेंटर, कांटी, मुजफ्फरपुर।